Hey guys, Snap, hello. Mama ने matching कर ली कि निशु ने बाल लाग दिए पुत ना ले टोपी आज ठंड नहीं है जी। अशुभ ही हालात ही। आपा ना भी आज चले हैं सारा कुछ आज आप तैयारियां करनिया ने आज आप ग्रोसरी कर लांगे मम्मी हुरा ने आना हेलो तुहानू दस दिए कि मम्मी डैडी जी ने शनैल ते दादू जी ने आना है ना शनैल कि ने आना कि दादा जी ते दादू जी उन्होंने आना सारे ने ते आपा उन्हां लई शॉपिंग करन चले हैं सारा घर का समान लैन चले हैं ग्रोसरी वगैरह सारा कंप्लीट करके रख लिए और शनैल दी गड्डी ठीक है जी। चलो आप चलते हैं तो थोड़ा दिखाने कि अज आप की तैयारियां करा घर भी सारा कुछ आप क्लीनअप कर दिए क्लीनअप वगैरह सारी करके बस फिर मम्मी होरां ने तैयारियां स्टार्ट कर रखी ने अपने बस अज सारा कुछ डन कर देना ठीक है जी। फिर थोड़ा मम्मी होरां नाल मिलाने आप ना इतों काजू बदम चक्कन लगे से फिर पंजीरी बनवावे डैडी जी होरां तों मम्मी होरां तों ते कॉस्को तो लै जाने होंने ते बदम भी बदम है नी ठीक आ इन्ने ठीक रेंदे मम्मी शायद कितने आ गया तू देखा की करदा कच्चे लैने चाहिए ना देखा ये बदम होर ही तरह के लगते हैं मम्मी ए जे आप कदे लैके नहीं गए तो बाले ब्लैक आ बदम ये नहीं आवा तुम एक वह पिया होना डब्बे वाले होंगे ने डब्बे वाले बदम लेने आप जो अपने रेगुलर बदम होंगे चिट्टे चिट्टे जे साफ जे ये तो भुजे जे हुए लगते हैं शनैल खाओगे बदम आई आई व्या एक मिनट दिखाई शनैल देखिए आप भी आह बदम की मैं गल करती सी आह होंगे असली बदम ये पाते होंगे सी असं ये वधिया लगते हैं मैनू और रोस्टेड जे होर ही लगते हैं अपना काजू का डब्बा हो गया हाले स्टार्ट की अपनी ग्रोसरी आज तो पिछले रखी हाँ बदम हूँ आप एक देसी घ्यो ले ली दो ले लो मैं इतो ले लैनी होंगी घ्यो दियाँ तो दो घ्यो पीपियां ले लिया क्योंकि पंजीरी आप बनानी है फिर पंजीरी के लग ही जाती है एक फिर एक अपने को एक्सट्रा आ जुगी तो बाकी आप पंजीरी लिए काजू बदम सारा कुछ ले लिया तो होर भी चाहिए होंगे पंजीरी लिए मगज वगैरह अभी ले ले सी तो आप क्योंकि सिंपल पंजीरी बनानी है बाकी आप देखते हैं जो आप होर की लीए तो बाकी कॉस्को आए से फिर आप किसी होर स्टोर से चलेंगे अब सारा समान पूरा कर जाने फिर डैडी जी तो बनवाई है ना पंजीरी तो मम्मी तो बनवावे आने सर काम बना देना शनैल तो अज बहुत ग्रोसरी कर लिया है हुण शनैल पंजीरी खाएगा पुत गड्डी रा पाने जदे गलती नाल ओ थोड़ी जी दूर पार्क करती ते देखदे हुण जाने उधर नूं जाण लगे इसलिए टाइम लगता चलो जेडी दी ना एक चीज इह जी ले आंदी उहने पूरा खुश हो जाना दिखाए पापा आ लिया कॉफी मेकर ज्योति के घर ना जाके मैनू हुण भी कहिंदा सी आप आ वीकेंड ज्योति दी के घर चाह पी के आवांगे कॉफी मेकर ज्योति दी कहिंदे मैं विनर्स च लिया सीगा आपां नूं आइकिया दे विच मिल गया हाँ जी आपां कॉफी बना के पीवांगे सो कॉफी मेकर आ गाइस बहुत वधिया सो जेडी नूं बहुत सवाद लगता पहला ना असीं डिस्प्ले वाला ही चक लिया सीगा ते जो दीची बिल करा लगे कहिंदा डिस्प्ले तो मैं हुण एक चीज लैण केड़ा वापस जाऊगा इन्ना शुक्र उन्हें हैल्प करके सानूं नवा लिया था ते आपां ले आए हुण जेडी नूं घरे जाके दिखावांगे वी आपां तेरा कॉफी मेकर लिया पूरा खुश हो जाना जेडी ने जेडी ना रोज मैनूं कहे वी मैं सवेरे सवेरे खड़ी $2.80 जां $3 दी ना कॉफी पीना कहना तू मैं तो रोज सवेरे $3 लै लिया करी महीने का 200 लै लिया करी तू मेरी कॉफी घरे बना दिया कर ते हुण आपां 200 तो लै लिया करना ते कॉफी मेकर लिया ठीक है जी हाँ पिछे रख लो लो जी असी नर्सरी दे विच आए सीगे तुसीं देखोगे किस तरह के किदां दे फुल ने तरह तरह के फुल ने जी करदा वी सारी फुल चक के लै जाइए पर गल है रखांगे कित्थे एक तो एक पॉट पिया एक तो एक फुल पिया एक तो एक
ਬੂਟਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਪਏ ਆ ਕਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਸ਼ਨੈਲ ਹੈ ਸ਼ਨੈਲ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੌਟ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ਨੈਲ ਸ਼ਨੈਲ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆ ਗਏ ਬਈ ਆ ਗਏ ਚਲੋ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਘਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਨਵਾਂ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਜੀ ਘਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਈਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਗਰਮ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਫਿਰ ਸਨੋਅ ਕਰਕੇ ਸਨੋਅ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਓਕੇ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਗਰਾਜ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਿਆ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਪਾਪਾ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਗੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਸੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵੈਦਰ ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਰੋਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਹੁਣ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ 4-way ਲਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਥਰੈਡਿੰਗ ਵੈਕਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਫੇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਵਾਲ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਥਰੈਡਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਨਾ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਥਰੈਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਲਈ ਹੁਣ ਫੇਸ ਕਲੀਨ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਏ ਬਈ ਪਾਪਾ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਆ ਜਾਓ ਗੇਮ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਹਾਂ ਗੇਮ ਲਾ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਾ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ 18-24 ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸਾ ਕੱਲਾ 18-24 ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਕ ਚੱਕ ਲਈਏ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਨ ਅਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਬਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਘਾਟ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਟੇ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕ ਲਏ ਆਟਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੰਜੂਰਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਡ ਚੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਆ ਜੀ ਅੰਬ ਦੀ ਪੇਟੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਬ ਲਿਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲੋਡਡ ਹੋ ਗਈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਚੱਕਣਾ ਹੋਰ ਚੱਕਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਥੱਕ ਗਏ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ 7 ਫੂਡ ਚੱਕ ਲਈਏ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ 4 ਹੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 4 ਦੁੱਧ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ 7 ਫੂਡ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ 7 ਫੂਡ ਤੋਂ ਜਮੈਨ ਚੱਕਣੀ ਆ ਬਲੈਕ ਸੀਡ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਚੱਕ ਲਈਏ ਆਟੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲਏ ਸੀਗੇ 4 ਹੀ ਚੱਕ ਲਏ 2 ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲੁਮਿਟ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ
गाइस इन्ना देख लो ग्रोसरी तो बाद ना सारा समान अपना टेबल ते बड़ा ज्यादा समान हो जांदा। ये शनेल दे हले सी कपड़े पाउने ने मोचू हुन उठिया छुट्टा खंड खांदा सीगा हे की खाना खंड ते भैया सारा समान ना हुन आपां अंदर रखांगे फ्रिज दे विच ते थोड़ी जी क्लीन अप करिए घरे वैक्यूम लगा दिए सारा कुछ क्लीन कर दिए। शनेल तू हेल्प कराएगा मम्मा दी क्लीन अप च कराऊगा हां ते देखो किचन च भी ना आपां अज काफी कुछ रेडी करी जाने आ धनिया धुनिया भांडे भुंडे पर सारा हुन क्लीन अप करदे आ ठीक है जी। ते इत्थे आपां ने बनाया जी दाल मखनी अज रेसिपी भी बननी आ हां जी अज असल च रेसिपी बननी है तां करके घरे खलारा पिया पिया ते हुण ही आपां देखियो थोनू 15-20 मिंट च थोनू बिफोर आफ्टर दिखाउने आ सारी क्लीन अप करके। चलो पुत हां आ जाओ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਕਤੀ ਤੇ ਆਈਲੈਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਈਏ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਨ ਅਪ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਲੀਨ ਅਪ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਪੋਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸ਼ਨੈਲ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਤੋੜਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਨੈਲ ਇੱਥੇ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਮੋਟੇ ਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਲਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਧਰ ਸੈਂਡੀ ਦੀ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਵਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਆ ਟੇਬਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਏ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹਣਾ ਉਹ ਪਤਿਆ ਮਾਰੀ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤਾ ਉਹ कैलगरी मैजिक डील स्टोर तो लिया सी नॉर्थ साइड तो स्टोर का नाम आई थिंक मॉडर्न फर्नीचर है बाकी मैं तुहानू कन्फर्म करके दस भी दूंगी उत्थे बहुत सारा समान मिलता रग्स मिलदियां जिहड़ियां एरिया रग हुंदियां हैना जिहड़ियां तुसी रग्स यूज करदे हो एंड तुहानू इदां दी डेकोरेशन मिल जूगी पॉट मिल जाणगे इदां दे पॉट दे विच पान नू फुल बूटे मिल जाणगे होर काफ़ी समान उन्हां दे पिया तुसी देख सकदे हो। एंड फिर मैनू आह टेबल ना वधिया लग्गिया सीगा हुण मैं फिर इह चेंज करता तुसी दस्सिओ कि तुहानू पहला वाला वधिया लगदा सी जां इह वाला वधिया लगदा मैनू तां इह सोहणा लगदा ज्यादा घर दिया बनाई हुई चीजा ज्यादा खाने मेरे ख्याल है ना हाँ जी बिल्कुल हाँ भी तू की करदा ये कुछ नहीं करदा ਉਹ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਖਲਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਤੂੰ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਦਿਖਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਾਓ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਿਲੂਗੀ ਸਟਾਰ ਗੁੱਡ ਮਿਲੂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਲੋ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨਾਨੀ ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿ ਨਾਨੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਕੰਜਸਟਡ ਜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ हां गड्डी इत ला दो ते पापा वैक्यूम भी पापा तुसी ला दो हां वैक्यूम पापा लांदे हुंदे ने क्योंकि थोड़ा जिहा हैवी हुंदा ते फिर असी स्टेयर दे विच भी जिहड़ा वैक्यूम लाउणा हुंदा ओह भी पापा ला दिंदे आ ते हुण सारे घरे नीचे तां अपने वाइनरी लगी आ ते मैं थोनू जे तुसी मैं थोनू दिखाऊंगी मैं थोनू अपना फ्रंट एरिया भी दिखाउणी आ जिन्ना टाइम पापा वैक्यूम ऑन करदे आ ते फ्रंट एरिया जिन्हां ने नहीं देखिया ये हैगे जी साढ़े सारे फ्रंट की लुक जिन्होंने ओवरऑल नहीं सी देखा तो मैं सारा कंप्लीट करता सीगा दोनों साइड सोफे एंड रग रग दस्यो थोनू किवें मैचिंग वधिया लगी ते नाल इहदे टेबल
टेबल के उपर पॉट रखिया। मैं हाले ट्रे लैके नहीं आँदी, मैं लगे कि ज़्यादा कंजस्टिड हो जाना। थोड़े जा कुशन ठीक करना लिया क्योंकि आप बैठ जाने फिर थोड़े जे मैसी हो जाते हैं। अब बस हम सारा सफाई करते हैं, प्लस वो पॉट से मैं थोड़े जे लिया पान डेकोरेशन जी ले आँदी, इदा भी सोहने लगते सी खाली। वैसे तो जो आह ट्री है इन मैं उपर लै जाना, पापा उधर वैक्यूम करते हैं। तो एक ट्री लिया आर्टिफिशियल, ये तुम दस्यो थोनों किमें लगे। आ देखो जी मैं इदा कि ग्रीनरी जी सोहनी लगती है घरे। हाँ शना तू की करदा, जूस पीना? चलो चली आप उधर नानू को, नानू जी को चली। चलो ये जेडी ने पेयर कर रखी ने, कदे ग्रीन कर दें लाइट्स कदे कि कर दें। चलो रानू को चलीए आप, बहुत क्लीनअप बहुत करनी है, हले बहुत क्लीनअप करनी आप ने। वो देख नानू जी ने सारा वैक्यूम करता, ये लगते ना सानू दिन के घट्टो घट्ट 3-4 बारी वैक्यूम करना पैंदा फिर सही रहिंदे, क्योंकि शनैल कदे शुगर खिलारती कदे की खिलारता सारा समान खिलार दिंदी आ। ये साड़ी रात की तैयारी है गाइस, सारा समान कढ़िया पिया। ये आप बनावांगे अज अमृतसरी कुलचा। सो तुसी दूजे साढ़े कुकिंग वाले चैनल पर जो तुसी सानू हले तक नहीं सबसक्राइब किया मेरा चैनल, वो तो जाके देख सकते हो। नित नवीं रैसपीज होंदियां तो बहुत ज़्यादा ईजी होंदियां, उहदे ते आपां रैसपी पूरी पावांगे, पर उदा आपां इह तैयारी कर रखी है। हुण आपां इस तों बाद एक रैसपी भी बनावांगे, ठीक है जी। ये अज जिहड़ी ग्रोसरी लेके आंदी सीगी उह सारी सैटअप करती, तो बस मम्मी ने इत्थों किचन क्लीन करती। मम्मी ने अपनी स्पाइसी किचन च जिम्मेवारी ला रखी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। नवा टावल लाता लै, सोहना लगता है ना, सोहना सोहना लगे ना सारा। हाँ जी हाँ चलो वधिया। नो बुतू शैल भी सोहनी लग गई बुतू, ब्लैंकी लेते लैनी। ते आ अपने आलू उबले पए ने, दाल मखनी, सारा कुछ तैयारी है जी। अपने डस्टबिन सारे खाली किए थे। चलो शना साबण लैके आओ उपर नानू दी, अज पापा साबण अजे भी लैके आए थे। कई बार कोई कपड़ा हाथी धोना होंदा ते लाइट्स ला लो भाई उपर। एंड एक थोनों होर चीज दसनी सी, तुसी कहंदे सी ना सारे भी सोफे थोड़ी जी रेलिंग दे नाल नहीं, मैं थोनों इधरली साइड तो वीडियो दिखाउंदी आ। साइड तो खड़ के वीडियो बना रही सी उदों जो जिहड़ी वीडियो मैं पाई सी कि सानू गिफ्ट आया सी शनैल दे लई। सो सारे नूं इत्थों इदां लगदा सीगा शनैल इत्थे बैठी सी कि पिछे रेलिंग ते इह जा सकदी आ। देखो गाइज इत्थे 1.5 फुट की जगह हैगी 1.5 फीट तुसी देख सकते हो। सो इन्नी जगह सी, पर इत्थों जो आप वीडियो बनाने फिर इदा लगता भी रेलिंग दे बिल्कुल नाल आ। सो मेरिया बहुत सारिया फ्रेंड्स से सबसक्राइबरस से मैसेज आए थे, मैं लाइट्स ऑन करता भी तुसी शनैल करके असी थोड़े जे शनैल करके सानू थोड़ा डर लगता कि पिछे ना डिग जाए, जब बच्चों करके बच्चों का घर हैगा है ना। पर सारू मैं दस देव कि बहुत जगह हैगी ये पिछे, असी पहला ही सोफे बहुत अगे करके लगाए थे तो साढ़े को हले होर है भी नहीं सोफे, तो करके असी इतने फिलहाल ये वाले सोफे लाते थे। तुम दसो थोनों साड़ी उपर जो सोफा नीचे से उपर ये कि लग रहा थानू, जी आप उदन कुशनस लैके आए थे गद्दियाँ लैके आए थे वो मैं इतने लगाती हूँ, दसो जचदिया ने जा नहीं। एंड मैं एक पॉट लैके आता स। हाँ पुत तू की करी जाना सफाई, इतने मेरी फोटो पई है, मेरी फोटो लगी आ, ते मैं आ डेकोरेशन ले आंदी। हाँ डैडी नाल कौन, मम्मा डैडी। हाँ जी ते आ डेकोरेशन सारी मेरी इतने रखी हुई है, ते इतने हैगा जी टाइम पीस क्लॉक एंड टीवी। आ चीज़ा असं ज्यादा खाली हो रख दें क्योंकि शनैल सारा कुछ कर दें बाहरों, तो बस आ हो गया जी। हुण आपां वैक्यूम लगा दिए, आ वैक्यूम लगावांगे हुण आपां सारे कि उपर रग, तो रग सॉफ्ट हो जाती है वैक्यूम जा लगा के। भाई क्लोजट क्लीन करन दी जिम्मेवारी पापा की होंगी आ, मतलब क्लोजट नूं ना साफ ऑर्गेनाइज कर देंगे। हाँ हाँ पुत पापा नानू, ये देखो क्लोजट पापा ने सारे जिवें टॉवल वगैरह जिहड़े एक्सट्रा हैगे वो सारे एक पासे रखते हैं, साढ़े जिहड़े ब्लैंकी वो एक पासे आ, सारियां चादरां जिहड़ियां एक्सट्रा सीगियां वो एक पासे करते हैं, जिहड़ियां आपां वरतदे आ जिवें थोड़े थोड़े टाइम बाद, पर जिहड़ियां नवीआं पईआं ने वो सारियां दूजी क्लोजट दे विच पईआं ने। इत्थे एक्सट्रा समान पिया थोड़ा जिहा जिहड़ा आपां डेली यूज करते हैं। सो पापा ने सारा ऑर्गेनाइज करके रखता, तुसी देख सकते हो, ठीक है जी। हुण ये क्लोजट भी हो गई कंप्लीट, शनैल भी करांदा
ये ग्लास क्लीन करते हैं पापा विंडेक्स के नाल। इतने शनैल हाथ बहुत ला देंगे, कई बार कुछ खाधा पीता होंगे बच्चे जो हाथ ला देंगे वो स्टेन्स जे नहीं पै जाते हाथ के फिंगरप्रिंट्स जे बन जाते हैं। खराब भी शनैल ही करता हूँ साफ भी शनैल ही करूँगा है ना विशनैल। तो भाई आप अपना सारा एक भी चीज़ नहीं छड़नी, आप सारा कुछ क्लीन कर देना मम्मी होर आदि आदि ठीक है जी। अपनी रेसिपी देखी है ठीक है जी। गाइज आप सारे मिलजुल के कुकिंग करते हुए सो जे थोनू वधिया लगता हुंदा तां जरूर तुसीं कमेंट करिया करो लाइक करिया करो ते तुसीं ट्राई भी जरूर करिया करो ठीक है जी। बहुत स्वाद अपने बन रहे हैं जी कुलचे। हाँ जी गाइज अपना सारी क्लीनअप भी कर ली सी, मैं थोड़े जे कपड़े चेंज कर ले सी क्योंकि मैं कुकिंग की वीडियो बना के हटी सी हुणे, तो मैं बनाया सी अज जी अमृतसरी कुलचा तुम देख सकते हो। जे थोनू बहुत स्वाद लग रहा देखने टैम्पटिंग डिलीशियस लग रहा दैन तुम मेरे कुकिंग वाले चैनल में सबसक्राइब कर सकते हो एंड कुकिंग वाले चैनल पर जाके पूरी वीडियो देख सकते हो ठीक है जी। मैं अपलोड कर दूंगी कल तक फाइनली ठीक है जी, पर तुम सबसक्राइब कर सकते हो दैन थोड़ा मेरे सारिया रेसिपी सारिया वीडियो देखने को मिले कर बैल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि सारिया नोटिफिकेशन मिलन एंड तुम इदा के स्वाद स्वाद खाने बनाओ तो खवाओ सारे ठीक है जी। किवें लगे असं तो हम सारी फैमिली बैठ के इंजॉय करा तो क्योंकि थक गए सारे क्लीनअप करती सारा कुछ कराया तो फिर जेड़ी भी काम तो आने टाइम लग गया हूँ असं सारे जने अमृतसरी कुलचा खावे। गाइज अपने कुलचे रेडी अमृतसरी कुलचे आप हम सर्व कर लगे अपनी सारी फैमिली नू आ जाओ तुम भी इंजॉय करो। आप इन्होंने रिव्यू ले लीए शनैल कि लगे पुते पौठा है अमृतसरी कुलचा दस मैंने जमी है मैं दसूगा हूँ इन्ना शाह लग्या इन्नी शाह किने पाया सी शैल ने किथे पाया पापा फिर किवें लग्या थानू बहुत टेस्टी है सच्ची सही गल है बिल्कुल बहुत टेस्टी है जेड़ी भी ठीक है जी। ओके बहुत स्वाद ने भी बहुत बिलकुल ही सारा बिच मतलब के जेड़ा स्टफी भरी है स्टफिंग भरी है वधिया लगदी है नून मिर्च जो भी पाया बिलकुल ऐन परफेक्ट है। ओके गाइज ये सीगा जी अज का व्लॉग मेनली अपना हैगा सी अज क्लीनअप ते जा जेड़ा घर का सारा समान मुक्या सी ओ लेके आन ते ग्रोसरी ते ते मम्मी होरां दी तैयारियां करदे पए आ सी घरे बस सारा कुछ मतलब कि अपन हुंदा ही आ हुण है ना भी जदों बंदे ने इन्ने टाइम बाद मिलना कि थोड़ा जिहा घरे आपां ऑर्गेनाइज जिहा कर दिए सारा कुछ। तो जे थोनू साडा व्लॉग वधिया लगे दैन साडा चैनल जरूर सबसक्राइब करियो हरमन ब्यूटी एंड नित नवीआं वीडियोज़ दे लई एंड फैमिली व्लॉग्स दे लई। बाय आपां नैक्सट व्लॉग दे विच मिलदे आं गाइस बाय बाय।